हर हर महादेव। तो मेरे सारे भाई आप सब लोग कैसे हैं, तो आपको अपने चैनल में स्वागत है हिमांशु अग्रवाल ब्लॉग्स। तो भाई अपने चैलेंज को आज ऑलमोस्ट 34 डेज हो गए हैं, जो मतलब राइट नाउ चल रहा है, और ऑलमोस्ट टाइम बता दूँ तो मैं 5:22 हो गए और जा रहा हूँ जो सुबह 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 जिम। पहली बार है मेरे चैलेंज में, मैं इतनी जल्दी सुबह जिम जा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, कोशिश कर रहा हूँ सोने की, नींद नहीं आ रही और बस चीज़ें सारी नॉर्मल चल रही हैं, कोई ज़्यादा खास है नहीं। और मेरे को तो नहीं, एक टाइम पता कि आपकी बॉडी स्टक हो जाती है, फिर आपको मन करता है क्यों कर रहा हूँ। तो अब ऐसी हो चुकी है बॉडी स्टक, ना कोई ग्रोथ ना कोई दूसर, और इसलिए और पता नहीं यार, मन नहीं लग रहा, बस 2-4 दिन हो गए बिल्कुल ही, इसलिए अब तो ये लग रहा है ये चैलेंज कब ख़त्म हो, कब मैं कहीं लंबा घूमने जाऊँ। मतलब भाई मैंने 10-15-20 दिन 1 महीने का ट्रिप सोचा हुआ है कहीं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब आपको लिटरली भाई आपको मज़ा आ जाएगा जहाँ का सोचा हुआ है। और वो जो ट्रिप है शायद वो भी कभी किसी ने पूरा नहीं करा हुआ। और जैसे कि तुम्हें पता है आज से 18 दिन बाद राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसकी बहुत एक्साइटमेंट है जाने की। और भाई बॉडी बिल्डिंग करके ये चीज़ समझ आई कि भाई पेशेंस होना तुम्हें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ना अंदर बाहर जाते, ना किसी से मिलते, ना इतनी बात करते, वही सुबह उठ के वही अंडे ओट्स खाना, वही फिर चावल और ये सब खाना, मतलब इसके अलावा ज़्यादा कुछ खाना नहीं होता है। और अगर खा भी लिया तो 1-2 खा लिया, वो भी फिर भाई मन नहीं करता। जब देख के ना तो स्टार्टिंग में 10-20 दिन हो गए थे तो बॉडी में मज़ा आ रहा था, जब बॉडी में बहुत देख के लगा कि अरे होए होए क्या बॉडी बन गई है। और अब धीरे धीरे, क्योंकि अब वो होता नहीं है, आप एक लाइफ में आप ऐसे आ जाते हो कि बिल्कुल अब इससे ज़्यादा तो और अभी कुछ नहीं होगा, और होगा तो फिर एकदम दिखाई देगा। तो वो वाली लाइफ चल रही है कि वहाँ ऐसे जा रहा है, बस जा रहा हूँ, लोहे में मूड मार रहा हूँ सुबह सुबह। और भैया है नहीं, 2-4 दिन से भैया का कॉल करता हूँ, मैच है तो कोई नहीं आएगा, जो मतलब 3 दिन हो गए जो मैं अकेले करते करते और सब चीज़, इसलिए देखते हैं भाई। हमने ग्लास में पानी भर रहे हैं, पता नहीं कब जाके चीज़ें पूरी होंगी जैसे चाहता हूँ। पर सोच लिया चैलेंज ख़त्म होते ही ना घर नहीं आऊँगा जब तक मन नहीं करेगा, बस मतलब निकल जाऊँगा एक अच्छा सा कुछ सोच के, और जब तक मन नहीं करेगा तब तक घर बिल्कुल भी नहीं आऊँगा भाई, बिल्कुल भी। और शायद सोलो ही अब की बार प्लान करूँ या ड्राइवर के साथ सोलो, इसलिए मैंने यार कि अकेले ही ठीक रहता है आदमी, बस अड़चनें कम रहती हैं लाइफ में। उस ट्रिप में दौरान तो सबसे बड़ी फाइट सुबह घर पे बस पपीते और क्या कहते हैं किन्नू रखे हुए थे, किन्नू सब जानते होंगे, तो ऐसा तो कुछ अभी लूँगा नहीं रस्ते में। और अब सबसे बड़ी फाइट ये है कि सुबह आपको ढूंढना पड़ेगा कि अंडे कहाँ मिलेंगे, और बॉयल तो बहुत मुश्किल है, तो देखते हैं अगर ऑमलेट मिल जाए तो बस उसी की तलाश है मुझे, क्योंकि आज आपको जैसे कि पता है भाई लेग्स करनी है, इसलिए अंडे ऑमलेट मतलब अंडे वाला ढूंढूंगा और अंडे खाऊंगा, फिर जिम जाऊंगा, देखता हूँ अगर उसके अलावा फिर क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्योंकि खाली पेट तो बिल्कुल मन नहीं करने का, इसलिए चलो फिर चलते हैं। और मुझे लगा आज ठंड ज़्यादा होगी, पर आज कोहरा वोहरा इतना नहीं है, ठंड भी नॉर्मल है, 3 दिन से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पड़ रही थी, इसलिए तुम बताना तुम क्या कर रहे हो सारे भाई कमेंट बॉक्स में। एक भाई कहता है भाई आपके साथ ट्रेनिंग करनी, भाई मैं लिटरली इतना बड़ा नहीं हुआ तो मेरे साथ आप ट्रेनिंग करोगे, मुझे खुद ही आती है दूरी ट्रेनिंग आती है, क्यों झूठ बोलूँगा तुम्हें। अपने भाई कोई भाई को ढूंढो जो साथ करता हूँ, पहला ही बार है जो मेरे पास पहले जिम पार्टनर होगा, तुमने देखा होगा मैं अकेले जिम करता होगा, क्योंकि यार भाई के साथ बिल्कुल नहीं हो पाती, भाई वेट लगाते अपने हिसाब से, जितना भाई का वेट स्टार्टिंग का होता है उतना मेरा एंड होता है बिल्कुल। चलो चलते हैं फिर जिम। तो मैं दिख रहा होगा ये चवन नहीं है जो भाई फैदाबाद है, तुम्हें पता होगी हमने अब बहुत ज़िंदगी काटी है रात को यार, बहुत, मतलब मूवी के बाद यहीं रहना, सुबह 4-4 बजे आ जाना, पहले पूरी रात खुलता था, 4 बजे आके मैगी खाना, ये खाना वो खाना, 3-4 दोस्त थे हम,
और देखो आज सब अकेले अकेले अपनी जिंदगी में लगे हुए हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, तो इसको देखो पुराने दिन याद आते हैं। बहुत घपले करे हमने यहाँ से, बहुत मोनू था पहले यहाँ पर, तो बहुत अच्छा जानकार था। कह रहा भैया तुम चले जाओ कोई बात नहीं, देख लेंगे कर लेंगे। गिनती के दोस्त होते थे और गिनती की मौज मस्ती बहुत होती थी उस टाइम पे, ये तो है। अब सब अपने अपने लग गए यार, वक्त भाई किसी के लिए नहीं रुकता। तो बोल दिया ऐसे 5 अंडे बोले हुए हैं, ऑमलेट ही बोले हुए हैं क्योंकि इस पे तो बॉयल होते नहीं है, तो मैंने कहा तू वो कर दे 5 अंडे कर दे, यो कटा के कर दे, तेल वेल कुछ मत लगा और हरी मिर्च बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी प्याज कर दिए बस। कह रहा ठीक है भाई, देख लो आगे अपनी ऑमलेट जूम करके, जूम जूम और सुनसान पड़ा है देख लो। ए एक सेकेंड देखना बिल्कुल फैजाबाद सुबह सुबह बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल इसे खाने का नहीं, पूरा गला सूखा हुआ है, पर खाना तो पड़ेगा वरना फिर एक्सरसाइज ही करूँगा मैं। चलो भाई ये इसकी हालत, मैंने ऑमलेट कैसे क्यों करी, मैं यहाँ एक एक अपनी कैलरी सोच समझ के देख रहा हूँ कि तेल कम ना कम हो कम हो कम हो। तुम दिखा दो कितना तेल है, देखना ये देखो ये जितना भी दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये सारा तेल है यार, सारा का सारा देखना। और यहाँ भाई महंगी तेल में कम बनाए हो, मैं कह रहा हूँ खाते वक्त बहुत तेल लग रहा है मुंह पे, बहुत ज्यादा। अब पूरा निचोड़ दिया ऐसे ऐसे पूरा, भाई तेल से दूर हो बहन जो, यही पेट की रेल बना देगा। अब ये ना मुझे 2 दिन परेशान करता है यही तेल मुझे, क्योंकि आपको पता होगा जब आप साफ खाना खाते हो ना, अगर कैसा कुछ कुछ भी खा लो पेट के लगा देता भाई, लगा जिसे कहते हैं। चलो लिटरली करा, जाऊंगा 8:07:55 हो गए, नहाऊंगा धोऊंगा दिल्ली जाना है किसी काम से सीधा। और आज लिटरली लग रहा है कि अच्छा वर्कआउट करा है, पता नहीं क्यों बॉडी को मैंने क्या हिमांशू, अब पुश कर बस। अब जितना होगा ना भाई सारा जितना भी वर्कआउट होगा ऑलमोस्ट सब तुम्हारा भाई पुश करेगा, और खाने के लिए ढूंढेगा पहले तो कुछ, क्योंकि आपको पता है जब फ्लेक्स करते हैं ना खाने का कुछ बिल्कुल मन नहीं करता उस दिन तो खासकर, बस बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटीन को समझो आप मैंने घूट से पिया है ऐसा, बिल्कुल मन नहीं था पीने का। और बोल दिया घर वालों से कुछ बना दें और सीधा बस तुम्हारा भाई घर पहुँचते, अपना कार बार वो कार साफ करने वाला कार साफ करेगा, सीधा दिल्ली निकलेगा सुबह सुबह पहली बार। चलो भाई देखना आपको भी भेजे मतलब वर्कआउट दिखाऊंगा अच्छा करा है, और कुछ टाइम रह गया उसके बाद कुछ अच्छा बिल्कुल प्लान करेंगे, और आप बताओ क्या क्या प्लान कर सकता हूँ मैं, जो जो भाई कहेंगे वो सब कर लेंगे इसलिए। और पता नहीं ऐसा मन कर रहा है बस घर से निकल जाऊँ, घर ना हो बस यार। तो लो जी भाई नहा धो के हो गए तैयार, अपना निकल गए और चावल पैक करा लिए मम्मी से कह के, और अभी भूख लग नहीं रही है, रास्ते में जब लगेगी जब खाऊंगा। और बताऊँ तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है, वाइट और ब्लू पहना हुआ तुम्हारा भाई ने, और दिल्ली जा रहा हूँ किसी काम से, घर आते अपना फिर बताऊँगा, अगर फ्री रहा तो दिखा दूंगा सब कुछ कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। लव यू ऑल मेरे भाइयों, पता नहीं खुश हूँ और नहीं भी से आगे से
15-20 मिनट का काम था बस, फिर आके अपना घर सो गए। और अब जा रहा हूँ मैं एक बार गाय की रोटी पैक कराने, और तुम्हारे भाई को भूख लगी है, तुम्हारा भाई फिर अंडे खा लेगा अभी। और थोड़ी सी आज हॉस्पिटल जाऊँगा, जो मैंने आपको पाँव बताई ना, मेरे एलर्जी है तो उसका एक चेकअप भी कराना है। और पता नहीं आज ना गला बहुत सूखा सूखा हो रहा है, बहुत ज़्यादा सूखा, पता नहीं कैसे कैसे नहीं तुम्हें दिख रहा होगा, मैं सो गया था घर आके, भाई सो क्या रहा हूँ, आधे आधे घंटे के लिए सो रहा हूँ बस, इससे ज़्यादा सो ही नहीं रहा मैं। तो भाई अपने 5 अंडे आ गए और गायों के लिए रोटी भी आ गई है, और इन्हें खाएंगे और गाय को खाना भी खिला देंगे। 16 दिन हो गए ऑलमोस्ट खिलाते खिलाते मुझे, खुश बस पता नहीं इसी बात की खुशी होती है, चलो कुछ तो सही कर रहा हूँ बस। ले गर्म ज्यादा है भाई, देखो धुएं उठ रहे हैं। बस खा लिया उसने, अब भाई आगे खिलाऊंगा। भूख नहीं है, भूख ले ले। इसको खिला देता हूँ गाड़ी बैक करके, मेरी बच्ची मेरी प्यारी, ले ले ले, अरे देखिए इन्हें खाने नहीं दे रही, इन्हें बाहर जाकर खिलाता हूँ मैं जो बच्ची हैं। और वहाँ तो वारदात हो गई, लड़ाई चल रही थी तीनों, मैं कि मान सो नहीं फिर आकर जाकर किसी को खिला दूंगा। थोड़ी सी बची हैं, बच्ची जब तो बहुत बची, थोड़ी क्या ऑलमोस्ट 20 बची हैं। अंडे खाने का मन नहीं है, सब कूड़ा खा रही, नहीं बेचे बच्चियाँ भी बेचारी। ना बाहर जाकर खिलाता हूँ खाना। तो भाइयों आज ही ना ये जैकेट निकाली थी मैंने नई, और देखो गाय को रोटी वक्त खिलाते वक्त उन्होंने क्या करा मेरे साथ, इतना प्यार की पूरी कहाँ गई। ये निशान दिखाई दे रहा है, और ये देखो सारी की सारी वाइट गंदी कर दी बिल्कुल, अभी सुबह ही निकाली थी, सुबह ही टैग तोड़ा था इसका मैंने। बस अब मम्मी लड़ेंगे जाते, मम्मी के लिए काम बढ़ जाते और कुछ नहीं होता भाई। पर फिर भी माँ कुछ नहीं कहती है, चार बात बोलेगी वो छोड़ देगी पूरी। अरे ऐसे छुपट गया, अब मैंने कहा सुनो अंदर भी तुम्हारे भाई ने वाइट पहना हुआ था, मैं गिन ले। कोई नहीं, गाय को रोटी खिला दी भाई, ऑलमोस्ट हमने 3 अंडे रह गए, मेरे अंडे खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, वो खिला रहा हूँ। एक जगह जा रहा हूँ, और जबकि कुछ गाड़ी वाड़ी का प्रॉब्लम है, बस लड़कों की लाइफ में भाई गाड़ी के अलावा कुछ नहीं रहता है, तो वहाँ जा रहा हूँ फिर 9 वाले घर जाऊँगा अपने। तो भाई अपनी दोबारा 5 अंडों की ऑमलेट आ गई है, और ये खा लेते हैं। और आज दक्ष आज दिवेन का बर्थडे, जो शरारती बच्चा उसका बर्थडे, जाएंगे थोड़ा बहुत घूमने के साथ ही। चलो सुनमा कहाँ जा रहा है? ट्रैम्पी पार्क। वो कहाँ पर है? बूरी पर। जा क्यों रहा है? स्लैप हमें लेकर चल रहे हो। अरे जा क्यों रहा है? मुंह पीछे रखना, घुस क्यों रहा है इसमें? मन नहीं हो रहा है तेरे भाई का बर्थडे है आज? नहीं भाई का बर्थडे छोड़ो, ट्रैम्पी पार्क का। तो भाई का बर्थडे नहीं आज? नहीं है, नहीं है। नहीं। नहीं। नहीं।
लक्ष्य भाई कह रहा था बच्चे जो मरे थे मेरा नाम लगा ले तो लोजी भाई तुम्हारा भाई आ गया घर। और रात को तुम्हें बताते तुम्हारे भाई को क्रेविंग लगती थी भूख की, तुम्हारा भाई पीनट बटर ले आया। अभी तो बस काम चलाएंगे ले गया है, कोई ढंग का फ्लेवर ढूंढूंगा बस। अभी तो बस मैं ये रात को 3-4 दिन से ना डेली रात को भूख लग रही थी, तो इसलिए तो भाई अपने आज चैलेंज के 34 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। और जैसे कि पता आपको लेक्स करी थी, उसके बाद मैं दिल्ली का एक काम से, उसके बाद फिर बर्थडे था दिव्यन का छोटे बच्चे का, वहाँ गए बस, फिर अब घर आ गए। चलो उस ब्लॉक को करते हैं एंड भाई, घर आ गए अपने कपड़े पर चेंज करेंगे भाई। खुश रहो, खाते पीते रहो, और लास्ट में भाई हर हर महादेव, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बच रही है बिल्कुल भी। चैलेंज ख़त्म हो गया ना, बस भगवान की दुआ रही ना कहीं।